Hello friends, welcome back to my channel, The Home Maker. आज मैं आपके लिए एक इंस्टेंट ढोकला रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत इजी एंड हेल्दी है. इसमें मैंने बेसन एंड बेकिंग सोडा यूज़ किया है. लेट्स सी द वीडियो. For making this instant dhokla, you need 1.5 cups of besan, 2 tablespoons of rava, 2-3 green chilies and 1 piece of ginger, 1/4 teaspoon of hing, 1 teaspoon salt, half teaspoon turmeric powder, 2 teaspoon lemon juice, 3-4 teaspoon बेकिंग सोडा और खाने का मीठा सोडा और पानी. सबसे पहले मैं यहाँ ग्रीन चिली एंड जिंजर का पेस्ट बना रही हूँ. उसके लिए मैंने जिंजर एंड ग्रीन चिली को तोड़कर खलबत्ते में कूट लिया है. आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे बना सकते हैं. चलिए अब ढोकले का घोल बना लेते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 1.5 कप्स ऑफ बेसन निकाल दिया है. फिर इसमें हम 2 चम्मच रवा ऐड करेंगे. अब मैंने फिर हींग डाला है, हल्दी, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, जो ग्रीन चिली एंड जिंजर का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर दीजिए. और पानी की सहायता से एक थोड़ा रनी पेस्ट जैसा बना लीजिए. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेसन का उपयोग किया है. अगर आप इस रेसिपी को ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हैं तो यू कैन ओमिट द रवा. दिस रेसिपी इज़ वेरी हेल्दी एज इट यूजेस वेरी लिटिल ऑयल एंड वी कुक इट इन स्टीम. सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. जब ये बेसन का घोल रेडी हो जाए तो इसको 10 से 15 मिनट्स हम अलग रख देंगे ताकि बेसन एंड रवे के जो कण हैं वो फूल जाए. ये कंसिस्टेंसी का पेस्ट आपको बनाना है. मीनवाइल हम अपना स्टीमर रेडी करेंगे. उसके लिए मैंने गैस पर एक बर्तन में पानी बॉईल करने रखा है. और साथ ही हम अपने बर्तन को तैयार कर लेते हैं जिसमें हम अपना ढोकला स्टीम करेंगे. उसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगा लें ताकि ढोकला पक जाने के बाद वो आसानी से निकल सके. अब देखिए ये 10 से 15 मिनट्स हो गए हैं. तो इसमें मैं नींबू का रस और बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें थोड़े बबल्स आएंगे और आपका जो घोल है वो थोड़ा फोमी हो जाएगा. तो इसको अच्छे से मिला लीजिए और प्रिपेयर किए हुए बर्तन में इसको शिफ्ट कर दीजिए। मैं अपने स्टीमर में एक ट्रे लगा रही हूँ, उसके ऊपर अपना बर्तन रख के इसको स्टीम करूँगी। ढोकले को पकने को 15 से 20 मिनट्स लगेंगे। 15-20 मिनट्स होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ढोकला पक गया है और ये स्क्यूअर पर नहीं चिपक रहा है। इसको 10 टू 15 मिनट्स थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बना है और ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसलिए अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। इसको एक प्लेट में उलट दिया है। देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। इसको आप अपने मन चाहे आकार एंड साइज में काट सकते हैं। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। उसके लिए हमको चाहिए राई, सिसम सीड्स, कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और 2 टेबलस्पून तेल एंड 2 लिटिल टीस्पून ऑफ शुगर, लेमन जूस। खमन का तड़का बनाने के लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई में पहले तेल को गरम किया है। तेल गरम हो जाए तब उसमें हम राई ऐड करेंगे। जब राई अच्छे से क्रैक हो जाए तब हम तेल डालेंगे। कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची भी डाल दें और फिर गैस बंद करके मैंने उसमें पानी डाला है और शुगर। ये हमारा तड़का तैयार है। जब हमारा ढोकला वार्म हो जाए तो इस तड़के को भी थोड़ा वार्म करके ढोकले के ऊपर फैला दीजिए ताकि वो शुगर सिरप अच्छे से सोक कर पाए और थोड़ा और सॉफ्ट एंड स्पंजी बन जाए। हमारा खमन ढोकला रेडी है। आप इसको नाश्ते में और लाइट डिनर की तरह एंजॉय कर सकते हैं। होप आपको ये इजी रेसिपी पसंद आई है। Please try this recipe and comment on my video. Please subscribe to my channel. Thank you.